हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पार्ट टू, इसके पहले हम पार्ट वन दे चुके हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था से है। इसमें आपको बहुत 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब से हम बहुत मोटिवेट होते हैं फ्रेंड्स। और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए अब। हाँ जी मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। एक लाइन में, जिसे अंग्रेजी में वन लाइनर कहते हैं मेरे दोस्त, यह वीडियो का पार्ट टू है। इसके पहले हम वन वीडियो का पार्ट लोड कर चुके हैं। यही मेरा चैनल का नाम है मेरे दोस्त, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके बोल दीजिए या सर्च बार में लिख दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस मैथ का लाभ ले सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, चलिए अब पढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए नंबर एक प्रश्न शुरू हुआ मेरे दोस्त। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह थे मेरे दोस्त के सी नियोगी। यही हरे कलर के रंग में जो लिखा हुआ है राइटिंग, यही आंसर मिलेगा हर प्रश्न में आपको हरे कलर के रंग में। चलिए नंबर टू प्रश्न है, देखिए। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यह होता है मेरे दोस्त राज्यपाल। चलिए नंबर थ्री का प्रश्न देखते हैं अब। राज्यपाल विधानसभा में कितने अंगल भारतीय सदस्य का मनोनय करता है? केवल एक सदस्य का मनोनय करते हैं, ठीक है। नंबर चार का प्रश्न देख लीजिए अब। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए नंबर पांच का प्रश्न देख लीजिए। वह राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी कौन थे? कौन कौन थे? यह थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 2 राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है मेरे दोस्त। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे मोरारजी देसाई। चलिए नंबर 7 का प्रश्न देखिए अब। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए नंबर 8 का प्रश्न देख लीजिए। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ कब? कब हुआ था? यह हुआ था 92 संशोधन में, और यह ईस्वी था 1985 ईस्वी, ठीक है। चलिए नंबर 9 का प्रश्न देख लीजिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ था और कब? यह हुआ था सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू, और यह हुआ था 1951 ईस्वी में। चलिए नंबर 10 का प्रश्न देख लीजिए मेरे दोस्त। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किस राज्य में और एवं कब हुआ था? यह हुआ था नागौर पंचायत था, और यह राजस्थान राज्य में पड़ता है, और यह लागू हुआ था मेरे दोस्त 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न देखिए। भारत में पंचायती राज शुरू किसके रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? यह किया गया था मेरे दोस्त बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। क्या? समिति के रिपोर्ट के आधार पर। चलिए नंबर 12 का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। नंबर 13 का प्रश्न देख लीजिए। संसद का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए नंबर 14 का प्रश्न देखिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन एवं क
कब जोड़ा गया था, किस संशोधन में एवं कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन में और यह था ईस्वी 1976 ईस्वी। ठीक है, नंबर 15 का प्रश्न देख लीजिए। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन एवं कब किया गया था मेरे दोस्त? यह किया गया था 61वें संशोधन और 1989 ईस्वी में। ठीक, चलिए नंबर 16 का प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1773 ईस्वी में। चलिए नंबर 17 का प्रश्न देख लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था? यह आया था 1909 ईस्वी में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न देखिए। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब कर दिया गया था? यह कर दिया गया था 1935 ईस्वी में, 35 ईस्वी के एक्ट से, एक्ट जो आया था 1935 ईस्वी के एक्ट से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नंबर 19 का प्रश्न देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नंबर 20 का प्रश्न देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? यह हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में। ठीक है, चलिए नंबर 21 का प्रश्न देख लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब की गई थी? यह किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए नंबर 22 का प्रश्न देख लीजिए। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? या होते हैं लोकसभा के प्रति। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह थे फजल अली। चलिए नंबर 24 का प्रश्न देख लीजिए मेरे दोस्त। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निशुल्क शिक्षा अनिवार्य कब से किया गया है? यह किया गया है 86वां संशोधन 2002 ईस्वी से। चलिए नंबर 25 एंड लास्ट प्रश्न है। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? यह करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। तो मेरे दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। मैं अरुण कुमार रजक, माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई एंड सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा दबा दें मेरे दोस्त एवं ऑल पर क्लिक कर दें कि ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें आपको मैसेज मिल जाए, जिससे कि आप एक क्लिक से वीडियो को देखने लगे फ्रेंड्स। चलिए और लास्ट में बता देना चाहूँगा कि शेयर तो करना भूलिए नहीं मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद। और जाते जाते तो मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि यह जो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का जो वाटर मार्क आपको हर पेज पर दिख रहा था, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके लिख दीजिए या बोल दीजिए तो चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ लेकर आगामी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करें मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब एवं शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो।